वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। पूर्व सांसद अतीक अहमद को बरेली के नैनी जेल से लाने की कवायद से सियासी पंडितों के कान खड़े हो गए हैं। जेल में भी दबंगई की शिकायतों के बावजूद भी सियासत की ओर से निर्वाचन आयोग की अनुमति मांगे जाने पर सवाल उठने लगे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बीच अतीक के प्रति इस नरमी के और सियासतहीन अर्थ निकाले जा रहे हैं। अतीक के मुस्लिम मतदाताओं में भी आज भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। पिछले वर्ष फूलपुर में हुए उपचुनाव में अतीक का असर देखा गया था। ऐसे में प्रशासनिक निर्णय की बजाय लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों को रोकने की रणनीति का रूप देखा जा रहा है। अतीक मुस्लिम माहौल से विधायक रह चुके हैं। अतीक फूलपुर से भी सांसद रहे हैं। पिछले साल फूलपुर से उपचुनाव भी लड़ा गया था। अतीक के प्रभाव से इससे भी समझा जा सकता है कि जेल में होने के बावजूद भी उन्हें चुनाव में 48,094 मत मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले भी पश्चिमी विधानसभा में अतीक को 28,820 वोट मिले थे, जिसका नतीजा रहा कि सपा के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह पटेल को सबसे कम 33,354 वोट पश्चिमी विधानसभा में ही मिले थे। ऐसे में अतीक को नैनी जेल में शिफ्ट करने की कवायद से लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि अतीक की पत्नी सैफा परवीन चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव में अतीक मुख्य पात्र होंगे कहा तो यह भी जा रहा है कि अतीक को नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है तो वह या उनके परिवार से कोई भी चुनाव ना भी लड़े तो भी फूलपुर क्षेत्र में उनका दखल होगा। इसका नतीजा नुकसान गठबंधन प्रत्याशी होने की बात कही जा रही है। सपा के जिलाध्यक्ष कृष्णमूर्ति यादव का भी कहना है कि अतीक को नैनी जेल में शिफ्ट करने से गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल